जय हिंद बच्चों, आज हम ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अवर बॉडी। अवर बॉडी मीन्स हमारा शरीर। इसमें हम शरीर के अंगों के नाम पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप नोटबुक ले लीजिए कोई सी भी, मैं बोलूँगी स्पेलिंग्स के साथ बॉडीज नेम, आपको वो लिखना है और समझना है, इससे आपको वो हैंड टू हैंड समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बॉडीज नेम। बॉडीज नेम फर्स्ट एच ए आई आर हेयर। हेयर मीन्स बाल। एच ई ए डी हैड। हैड मीन्स सिर। F O R E H E A D forehead. Forehead means matha. E Y E B R O W S eyebrows. Eyebrows means bohen. E Y E S eyes. Eyes means aankhe. E A R ear. Ear means कान. N O S E nose. Nose means नाक. L I P S lips. Lips means होंठ. T O N G U E tongue. Tongue means जीब. N E C K neck. Neck means गर्दन. S H O U L D E R S shoulders. Shoulders means कंधे. A R M arm. Arm means बाजू. E L B O W S elbows. Elbows means koni. W R I S T wrist. Wrist means kalai. H A N D hand. Hand means hath. T H U M B thumb. Thumb means anguṭha. F I N G E R S fingers. Fingers means ungliyan. C H E S T chest. Chest means seena. T H I G H thigh. Thigh means jang. K N double E knee. Knee means ghutna. A N K L E ankle. Ankle means takhna. F double O T foot. Foot means pair. T O E toe. Toe means panja, जिसे हम पैर का अंगूठा भी कहते हैं। तो ये सभी जो थे वो हमारे बॉडीज नेम थे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने बॉडीज नेम बोले उसे लिखना है, समझना है, पढ़ना है बार बार और उसे लर्न करना है। जय हिंद।